मुलायम सिंह यादव के परिवार और पार्टी में मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा। जहां अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आमने सामने दिखे, तो वहीं नेताजी ने भी अखिलेश के फैसलों की आलोचना कर डाली। लखनऊ स्थित मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में भी अखिलेश समर्थकों ने नारेबाजी की। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद मुलायम सिंह अखिलेश पर फिर बरसे और सीएम के कई फैसलों की आलोचना की। मुलायम सिंह ने अखिलेश के काम की सराहना तो की और कहा कि अब सारे विवाद खत्म हो गए हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि तब हमने वही किया था जो अखिलेश ने कहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हम 5 सीट पर सिमट कर रह गए। इससे पहले भी अखिलेश यादव के कई फैसलों की मुलायम आलोचना कर चुके हैं। अखिलेश यादव के समर्थक लखनऊ में प्रदर्शन के लिए उतरे और प्रदेश अध्यक्ष पद पर अखिलेश की वापसी की मांग करते रहे। संगठन में सभी संगठन प्रमुखों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने उनसे बात की और तब जाकर मामला सुलझा। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट में 13 मंत्रालय शिवपाल यादव को सौंप दिए। गौरतलब है कि विवाद बढ़ने के साथ ही अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी समेत 3 अहम मंत्रालय शिवपाल से वापस ले लिए थे, जिसमें से अखिलेश ने चिकित्सा और आयुष मंत्रालय तो चाचा शिवपाल को वापस कर दिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्रालय अपने पास ही रख लिया। हाल ही में अपनी जीभ की सर्जरी कराने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि केजरीवाल की जुबान इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बोलने लगे थे। बहरहाल पर्रिकर ने बीमार होने की वजह से छुट्टी पर होने के लिए केजरीवाल के प्रति सहानुभूति भी जताई। गोवा विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कार्यकर्ताओं की कोर ग्रुप को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और गोवा में केजरीवाल मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इसी वजह से उनकी जुबान काफी लंबी हो गई थी और अब इसे छोटा करना पड़ा। हालांकि पर्रिकर ने तुरंत यह भी कहा, मुझे उनसे सहानुभूति है क्योंकि वह अभी बीमार होने की वजह से छुट्टी पर हैं। रक्षा मंत्री ने ऐसे समय पर दिल्ली छोड़कर चले जाने को लेकर आप नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब शहर में चिकुनगुनिया और डेंगू की चपेट में आने से 40 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता गायब हैं। पर्रिकर ने यह भी कहा कि यदि उनके मोहल्ले के क्लिनिक इतने ही असरदार थे तो चिकनगुनिया से इतनी मौत कैसे हो गई? उन्होंने कहा, जब दिल्ली में लोग चिकनगुनिया से मर रहे हैं तब आम आदमी पार्टी के नेता दुनिया घूम रहे हैं। 3 दिन पहले अगवा हुए 7 साल के बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए ये अपहरण किया था। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के सिंधावली गांव का रहने वाला 4th कक्षा का 7 वर्षीय बच्चा गोलू बीती 14 तारीख को अचानक लापता हो गया था। परिजन ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं अगले दिन अपहरणकर्ताओं का बच्चे के चाचा को फोन आया और उनसे 50 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस भी सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में वहीं के रहने वाले 2 आरोपियों सौरभ और विक्की को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर बच्चे के शव को बरामद किया। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपने गलत शौकों के खर्चों को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। उन लोगों ने बच्चे की उसी दिन गला दबाकर हत्या कर दी थी जिस दिन उसका अपहरण किया था। भारत के 500वें टेस्ट मैच की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीसीसीआई ने इस मैच को रोचक बनाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए जहां होटल में पूर्व कप्तानों और खिलाड़ियों को 500 तरह के व्यंजन दिए जाएंगे, वहीं विराट कोहली 5 स्टोरी केक भी काटेंगे। क्रिकेट की दुनिया का सबसे धनी देश जब 500वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा है तो तैयारियां भी उसी लिहाज से होनी तय हैं। यही वजह है कि जहां कानपुर के सबसे प्रतिष्ठित होटल में सभी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहीं उनके लिए मनोरंजन के साथ डीजे, जिम और वाईफाई की भी समुचित व्यवस्था की गई है। दरअसल यह मैच पूरे देश के लिए गौरव की बात है। यही वजह है कि इस मैच को खास बनाने के लिए पूरा देश जुटा है। लोगों को उम्मीद है कि भारत यह मैच जीत कर जश्न के इस माहौल को और खुशनुमा बना देगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोग की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मामला है अलीगढ़ के टप्पल इलाके का, जहां पर यदुवीर किसान का खेतों में नलकूप है।
नलकूप में आई कमी को सही करने के लिए जदुवीर सहित चार लोग कुएं में उतर गए, जिसके बाद पांच लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मौके पर ही उन सभी की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। कुएं से निकलने वाली जहरीली गैस का अब तक पता नहीं चल सका है। आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन? इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मरने वालों में पति पत्नी, उनके दो बेटे और एक बेटी बताई जा रही है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। शिवकुटी इलाके में हुई ये दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग रात में गहरी नींद में सो रहे थे। सभी का बारी बारी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया उसके ठीक पीछे शिवकुटी थाना है। इसके बाद भी बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस घटना के मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घनी आबादी में पुलिस थाने के पीछे हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस की गश्त और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी अपराधियों को पकड़ने की बात कह रहे हैं। फिलहाल कटरीना कैफ के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐलान किया गया कि उनको स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया में उनकी काफी किरकिरी हो रही है। कटरीना को यह अवार्ड प्रियदर्शनी एकेडमी द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। ये फंक्शन 19 सितंबर को होगा। इससे पहले ये अवार्ड तन्वी आजमी, श्रीदेवी, मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, तब्बू, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को मिल चुका है। सोशल मीडिया पर इस वजह से कटरीना की काफी चर्चा हो रही है। लोग बधाई देने की जगह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर लोग हंस हंस कर पागल हो गए हैं। एक यूजर ने तो ये तक लिखा कि कटरीना कैफ को स्मिता पाटिल अवार्ड देना वैसा ही है जैसा साजिद खान को ऑस्कर देना। आपको बता दें कि स्मिता पाटिल भूमिका, नमक हलाल, अर्च जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कटरीना कैफ को यह अवार्ड दिया जाना लोगों की नजर में स्मिता पाटिल का अपमान है।